पापा मुझे नहीं पढ़ना, मुझे घर बुला लो, बस मेरी बेटी घर आ जाए। दो बेटी है एक बेटा है, संदीप भाटिया जी से बड़ी उम्मीद है कि वो मेरी बेटी को ले आएंगे। उसी की फ्रेंड उसको किसी गलत रास्ते पे ले आए, कहती है मम्मी मेरे को बाहर निकालो, यहाँ पे ले आओ, वापस ले आओ, वापस नहीं भेजते। वह संभाल रहे अपनी बेटी को, रोज रोज बात करके समझाते हैं। मैंने उनको विश्वास दिलाया बच्ची अपनी वापस आ जाएगी। ये हर्षिता के माता पिता हैं और हर्षिता पानीपत के तहसील कैंप के रहने वाली है और ये जितेंद्र दीक्षित और पूरा परिवार जो है वाशो पानीपत पर लाइव है। मामला आपको बता दें, हर्षिता बाहर पढ़ने गई थी लेकिन वहाँ किसी मुसीबत में आ गई। मामला जो है अब संजय भाटिया के दरबार में है और आपको बता दें सिंगापुर में जो है पढ़ाई करने के लिए गई थी लेकिन वहाँ पर किसी मुसीबत में फंसी हुई है। क्या मुसीबत है इनसे बातचीत करते हैं, लेकिन आप अच्छा प्लीज़ वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें। क्या नाम है जी आपका? जी जितेंद्र शास्त्री। जितेंद्र क्या हुआ, कैसे आए थे संजय भाटिया जी? 3 महीने पहले गुड़िया मेरी बाहर पढ़ने गई थी, गली की एक लड़की भी वहाँ पहले से गई हुई थी, उसी के कहने पे वो वहाँ गई और पढ़ने के अलावा बच्चे वहाँ पर जॉब की भी नीड रखते हैं कि काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, थोड़ा काम भी करेंगे। तो उस जो दूसरी लड़की थी, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी की बच्ची, हमारी बच्ची वहाँ जो दुख भोग रही है, वो बच्ची के ऊपर भी किसी बात का कोई आरोप आए। बेटियाँ सबकी सांझी होती हैं, वो लड़की थी, मैंने उसको भी माफ़ किया है, गली की लड़की थी। उसने क्या किया, वहाँ पर कोई जॉब का ऑफर उसके पास आया कि ऐसे ऐसे कोई बैंक की जॉब है और किसी ने लोन लिया था और उसने लोन नहीं भरा और ये ऑफर है कि उसके घर के बाहर ना लॉक लगाना है जिसके हमें पैसे मिलेंगे, वो $50 या $60 जो भी था, मुझे नहीं पता क्या था वो पैसे का सीन। तो जैसे उन्होंने उसको कहा, मेरी बेटी ने उसको कहा भी ये काम तू भी तो कर सकती है, तेरे पास ऑफर आई है तो तू इस काम को तू कर ले। कहने लगी मैं किसी और जॉब में जा रही हूँ, तो ये कर ले, कल से मैं संभाल लूँगी ये काम। तो जैसे मेरी बेटी ने उसके घर का लॉक लगाया, रात को 2 बजे पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया। उसको लॉक लगाने जैसे उस दूसरी लड़की को पता लगा कि मेरी बेटी को अरेस्ट कर लिया है, वो रातों रात अपनी टिकट करवा के इंडिया भाग गई और हमें नहीं बताया उसने कि ऐसे ऐसे कि वहाँ बात हो गई है। अगले दिन कस्टडी से ही, थाने से ही, वहाँ से मेरी बेटी की वीडियो कॉल आई कि पापा ऐसे ऐसे वो लड़की मुझे फंसा के चली गई है और मुझे बचाओ। फिर मुझे किसी ने कहा कि सरकार है, सरकार इन मामलों में बड़ा संज्ञान लेती है और बेटी है, देश की बेटी है और संजय जी पर मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि वो मेरी बेटी को ले आएंगे। अच्छा, आपको कैसे पता लगा कि आपकी बेटी वहाँ जेल में है और कितने लाख रुपए जो है बेल के लिए आपने भरने? मेरी बेटी का वहाँ फ़ोन आया तो वहाँ पर कोई सरदार जी ट्रांसलेटर थे, क्योंकि वो और भाषा तो वो जानती नहीं थी सिंगापुरियन, तो वो ट्रांसलेटर थे, उन्होंने मेरे से बात की कि $15,000 कोर्ट ने इसका फाइन किया है और अगर आप $15,000 फाइन भरते हो तो इसकी बेल हो जाएगी। मेरे लिए $15,000 मतलब 10 लाख रुपए करना बड़ा मुश्किल था मेरे लिए। मेरी गली वालों ने, मोहल्ले ने, नूरवाला वासियों ने मेरा बड़ा साथ दिया और मेरी बेटी की बेल करवाई। आज मेरी बेटी की बेल तो हो चुकी है लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी मेरे घर में आए, बाहर मैं उसको रखना नहीं चाहता। अच्छा, कब भेजा था बेटी को पढ़ने के लिए? 3 महीने हो गए हैं उसको। कितना पैसा लगा के भेजा था? 10 से 15 लाख के बीच में लगता है ये पैसा। अच्छा, पढ़ाई उसके पढ़ाई पे पढ़ाई की? हाँ जी, स्टडी बेस पे गई थी, प्लस टू करके गई थी। अच्छा, बेटी से आपकी बात हुई? बेटी की बात हुई है और जब से 10 दिन तो बात हुई नहीं थी, फिर जब उसकी बेल हुई है तो उसके बाद अब डेली बात कर रही है। वह एक ही बात कहती है कि पापा मुझे नहीं पढ़ना, मुझे घर बुला लो। समझ सकते हैं आपका दुख, समझ सकते हैं। बस मेरी बेटी घर आ जाए। संदीप भाटिया जी से बड़ी उम्मीद है कि वो मेरी बेटी को ले आएंगे, सरकार से मुझे बड़ी उम्मीद है कि मेरा बच्चा मेरे घर आ जाए, डिपोर्ट हो जाए। कितने बच्चे हैं? 2 बेटी है, 1 बेटा है। वो यही है? हाँ जी। तो आगे किसी को भी देश भेजेंगे आप पढ़ने के लिए? देखो, बच्चे अपना भविष्य बनाने के लिए बाहर जाते हैं, ऐसा नहीं है कि दुनिया बाहर जाना बंद हो गई है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि किसी के कहने पर अगर बच्चे कोई बाहर बैठे हैं, किसी के कहने पर किसी का विश्वास ना करें, अपनी सूझबूझ से काम लें, सोचे समझें। बाहर जाना कोई गलत नहीं है, दुनिया बाहर जा रही है,
मैंने भी पढ़ने के लिए बच्चे को भेजा था, लेकिन पता नहीं था कि उसकी उसी की फ्रेंड उसको किसी गलत रास्ते पे ले आएगी। आपकी बात हुई आपकी बेटी? हाँ जी, रोज होती है। बस कहती है मम्मी मेरे को बाहर निकालो, यहाँ पे ले आओ, वापस ले आओ। अब भेजेंगे, दोबारा आएगी बेटी तो? वापस नहीं भेजती मैं। वैसे वो ठीक है आपकी बात हुई? हाँ, रोज बात होती है, अब ठीक है, थोड़ी संभाल रहे हैं अपनी बेटी को, रोज रोज बात करके अब समझाते हैं। चलिए, अनिल शर्मा भी मेरे साथ है जी, क्या कहना चाहेंगे? ऐसे बच्चे को तो भेज दिया जाता है, लेकिन वहाँ जाके ऐसे फ्रॉड जो है बच्चों के साथ हो जाते हैं। देखिए कुलवंत जी, आप बड़े, आपका चैनल बड़े अच्छे मुद्दे उठाता है, समाज सेवा के हो चाहे किसी भी मामले के हो, इसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको साधुवाद देता हूँ। और दूसरा, शास्त्री जी बड़े नेक और सामाजिक आदमी हैं, इन्होंने बड़ा अरमान से बच्चे को भेजा था कि मेरी बच्ची पढ़ लिख कर कोई नाम रोशन करेगी, पानीपत का नाम रोशन करेगी, परिवार का, हरियाणा का, देश का नाम रोशन करेगी। और इनकी बच्ची बड़ी इंटेलिजेंट है, पता नहीं वो क्या काल की घड़ी थी कि इनकी बेटी को किसी ने भ्रमित कर दिया और जिससे उसको आज ये इस अंजाम पर आज पहुंच गए। तो क्या अपील करना चाहेंगे जो बच्चे बाहर जा रहे हैं? मैं तो सभी से अपील करूंगा, जैसे हमारे भाई जितेंद्र शास्त्री जी ने कहा कि बच्चों पर, बच्चों को बड़ा समझा कर उनसे कि अपने विवेक से, समझ से काम ले, किसी के बहकावे में ना आए। आप दूसरे देश में जरूर जाते हैं, लेकिन दूसरे देश में कोई भी आदमी आपको गलत रास्ते पर ले जाता है तो उससे बच कर रहें, अपने माता पिता का मार्गदर्शन समय समय पर प्राप्त करते रहें, यही मैं सभी बच्चों से अपील करूंगा। ये संजय भाटिया जी से मिल रहा है ये परिवार, आप लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं, संजय भाटिया के सामने इन्होंने अपनी बात रखी है। और संजय भाटिया ने पहले भी ऐसे 3-4 जो केस हैं वो सुलझाए हैं, तो इस मामले में संजय भाटिया जी का क्या कहना है वो आपको लाइव तस्वीरों में सुनवाते और दिखाते हैं। ये सिंगापुर गई थी पढ़ाई के लिए, वो काम भी कर लेते हैं पढ़ाई के साथ साथ, किसी ने कहा कि आपकी जॉब है, तो जॉब के नाते से इनको कोई लॉक लगाना था किसी घर के अंदर, तो वहाँ पुलिस ने अरेस्ट करके कोई बच्चा इलीगल कोई ऐसा मान लिया हो उसमें फंसे, तो बेल हो गई है, बेल हो गई है, लेकिन उसका केस खत्म करा के रिपोर्ट कराना है वापिस सिंगापुर में। मैं पूरी केस की डिटेल आपको भेज रहा हूँ, मेरी जिम्मेवारी है, अगर आपकी बच्ची वापस ना आए तो मेरा कसूर है, आप रो मत, निश्चित हो गया बच्चे वापस आए, मेरी जिम्मेवारी। ये और शास्त्री जी मिले थे, क्या है ये मामला? इनकी बेटी गई थी सिंगापुर जो पढ़ाई के उस पे, वीज़ा के ऊपर, लेकिन वहाँ जॉब, क्योंकि थोड़ा कुछ घंटे की जॉब करने से बच्चे अपना खर्चा निकालते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो किसी ऐसे इलीगल किसी के उसके अंदर ट्रैप होगी और उन्होंने इनको किसी गलत काम में लॉक लगाने के लिए या किसी ऐसे काम के लिए भेज दिया जो मुझे लगता है इलीगल था, जिसमें पुलिस ने अरेस्ट किया है। तो मैंने, मेरे काम देखते हैं बाहर का, कैप्टन चोपड़ा जी, चाहे पहले विशाल जूट वाला मामला था, अभी जो हर्ष बच्चा रूस के अंदर पकड़ा गया उसको भी फॉलोअप कर रहे हैं। काफ़ी इस तरह के केसेस थे जो बाहर के देशों में जाके बिगड़ते हैं, तो उसमें जैसे रूस यूक्रेन के युद्ध के टाइम अपने स्टूडेंट्स थे उनको वापस लाने के लिए, ऐसे हमने काफ़ी किया। तो वो एक्सपर्ट है, NRI है, मेरे साथ ही देखते हैं, वॉलेंट्री मदद करते हैं कैप्टन चोपड़ा जी, तो उनको नॉलेज है इंटरनेशनल लॉज की, एम्बेसीज में रेगुलर बात करते हैं वो मेरे बिहाफ पे, उनको मैंने अभी बात किया, टोटल केस की डिटेल उनको भेज के मैंने उनको विश्वास दिलाया बच्ची अपनी वापस आ जाएगी।